मैं अफरोज कुरैशी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि हरा धनिया किस तरीके से स्टोर करके रखा जाता है। तो ये हमने एक गड्डी हरे धनिया की ले लिए और इसको इस तरीके से, ये देखिएगा, इसको इस तरीके से अलग करके, ये देखिएगा, मैंने इसको इस तरीके से तोड़ लिया है। और जैसे कि ये पीले जो आ रहे हैं, इसको हमको अलग हटा के रखना है। और ये स्टोरेज आप करके रखोगे तो इंशाल्लाह ताला 15 दिन तक के आपका कोतमीर ऐसे ही रहेगा। तो ये मैंने एक ये बॉल ले लिया है, कंटेनर ले लिया है, और इसमें मैंने टिश्यू पेपर लगा दी हूँ। अब इसको इस तरीके से रखना है, ये देखिएगा। इसको इस तरीके से रखना है कोतमीर को, और आप भी ऐसे ज़रूर स्टोरेज कीजिए कोतमीर को। और ये अभी तो रमज़ान भी आ रहे, तो आपको 15 दिन तक के तो ये ख़राब नहीं होगा। और इसके ऊपर ऐसे करके ढक दीजिए, और ये जो है एक्स्ट्रा, इसको ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे बंद करके रख दीजिए। ये 15 दिन तक के आपको ऐसे ही मिलेगा कोतमीर। और आप ज़रूर इसको यूज़ करिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और मैसेज करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामुअलैकुम।